वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। मोहल्ले में जब दो घरों में तनाव चल रहा हो तो मोहल्लेदारों की कोशिश होती है कि तनाव कम हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि तनाव बढ़े। दो घरों में जब अनबन चल रही हो तो लोग ये भूल जाते हैं कि पीडीएम और पीटीआई के इख्तलाफात किस हद तक बढ़ चुके हैं। वैसे सियासी मफादात सियासतदानों को तो एक पेज पर ला सकते हैं, लेकिन मोहल्लेदारों को नहीं। अच्छा, आज मोहल्ला मस्तियाँ में भी एक सर्द जंग चल रही है, तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। फिर लूडो। शाबाश। क्या है पुत्र, छक्का या काना है? कुछ भी नहीं है। कुदों में जेड़ी चीज आ जाती ना, तेने सूट बड़ी कर दी, काना भी और छक्का भी। आप अंपायर का किरदार अदा कर रहे हैं जी। अगर उन दाने आ गए, वो ना मने तो फिर मैं रिव्यू लवांगा। चल भाई, तेरी गई भी गोटी। वो है वे गई। चल बेटे, चल चंडी बेटे। दाना, चल दाना। लड़ना ना तड़ी मेहरबानी, आराम ना लूडो खेडो। ए भाई, बकवास कर रहा, बेईमानियां कर दे। ओए तू की गल कर रहा है, मेरे तो जाया ना हो जाई। मैं तो दाना, चल चुप कर, थोपड़ी लूडो दफा। मैं तेरी ये सीधी तेरे इधर आ। तू अन्नी रे बच्चे मारा तड़े मुंह से, लूडो तड़े पियो दिए, मेरी लूडो है, किराए तो दीती है तुम्हें, कोठियां घटिया करो। चुक है चुक, चल काम कर, वेला बैठा रहना। तू भी क्या चुक, ओए बदमाश। सीरियस ले लिया लूडो को इन्होंने। देखो मेरी लूडो को क्या असर किया इन्होंने। आखिर आप हैंग करो, कुछ तो मेरी फेवर करो। मैं तो चांदा वीना जी के पल्ला है प्यार मोहत नारायण। चलो कठिया करो पुत्र जल्दी। आ ना ना ते चुक भी आप। ओए मम्मा मारना तब तेरे चुक ना चुक। पता है कि वीना जी ये मल्ले च इस तरह रह रहे जिम्मे खानदानी दुश्मनी है, इन्हें प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत बांट रहे, चलो शुक्र है कोई तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलो मेहरबानी, तुम मेरी तारीफ तो की थी ना। आपके मोहल्ले का नाम लूडो मोहल्ला होना चाहिए। पिंडी में है ना लाटू मोहल्ला, उस मोहल्ले का नाम इसलिए पड़ा था कि सब लोग वहाँ लाटू खेला करते थे। जेड़े इलाके जेड़ी गेम होंदी उहदा नाम रख दईए, जिथे घोड़े दौड़दे घोड़ा मोहल्ला रख लईए। मालवा करदे ये इलाका मशहूर है, अंदरून है साडा शहर। साडी गेम ना खराब करो, अपना शो करो, ताडी मेहरबानी। चल हुण चुप कर जा। पांच 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 अन्नियां नूं नजर आंदा पांच पुत्र पांच ही, मैं कोई टीरा नहीं है पांच का। ऐ और मेरी बारी। हां ये वो नहीं है आपके पास वो जिससे फेंक, वो अभी इन्होंने उछाला है तो वो पकड़ लेती आप तो स्लिप में बैठी हुई थी। जिथे मर्जी कर, मैं चोर नहीं, मैं चोर दी मां मारनी। मां नहीं, मैं प्यो हां। एक मिनट ठहर, तुसी एंकर हो, कोई तो समझाओ इन्हें। कैसे समझाऊं मैं, असल फसाद की जड़ तो आप है। पहले दो दुश्मनों को लूडो दे दी, फिर आपस में लड़ाई करा दी। एक मिनट ठहरो, लड़ाई सारी खा गए, मेरा नुकसान होया वो पूरा करना दो घर आने। मेरा को लवो भाई, असली मेरा को लवो भाई, उन्हें चुके हैं, चाचे ने चुके हैं। सब चले, तू एक मारया उल्टा चोर पतवाल को डांटे, इन्हें मेनू बहुत मारया। मासूम जा मेरा पुत्र, हल्की हल्की चोरियां करने वाला, तुसी इन्हें मोहल्ले च कुटोगे। ये लड़ाई आज लूडो की नहीं लग रही मुझे, बहुत कोई पुरानी अजली दुश्मनी है आप दोनों की। ओ बीना जी, यही तो 55 साल तो इथे रहन दे हैं। ए रिफ्यूजी हुण आए ने, इन्होंने पूरे मोहल्ले का माहौल गंदा करके रखा। साडी बकरी ने मेंगड़ा करती है बूए अगे। मेनू मेंगड़ा सहना, मेनू तो मेंगड़ा सहेगा तेरी। ओ तू मेनू मेंगड़ा, मेनू लो। मेरे प्यो दे छोड़ो, सीस फायर दे, समझ की रही अपने आप नु। माई मैं तेरी उम्र का लिहाज करी पर हाय मेनू बड़ा कह देता, मेनू बड़ा। एक मिनट मोहल्ले का ये रुख तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, ऐसा भी होता है? हाय मेनू बड़ी उम्र का क्या है, अपनी उम्र की वजह से तो रिश्ता नहीं हो रहा। गंगर वर्गा दा पुत्र है, हये भी वड्डी नहीं है। एक मिनट तू ते अपने इलाके च चल।
खातीन आप थोड़ा होश के नाखन ले, पहले लड़ रहे। देखो मेरी गल सुनो, भैड़ी गल है इस तरह तुहाडी मेहरबानी, मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। इस इलाके क्यों दुकान पाई है मैं? असल कल्प्रिट तो आप है ना, बहुत खुश है आपके आपकी इस इलाके में दुकान। मैं तुम्हारे सामने इन्हें रोक नहीं रहा कि झगड़ा ना करो, बैठो आराम से। तेल डाल रहे हैं, रोक कर रहे हैं। देखिए मैं आप दोनों फैमिलीज को बता रही हूँ, ये फसादी है, ये आप लोगों में लड़ाई करा रहा है, आप दोनों आपस में सुलह कर ले। हाँ, ये फसादी नहीं है। आप बशीर दा की कसूर है? बशीर वर्गा बंदा के लबड़ा ए मेरे महल की छावनी है, जो मेनू असला चाहिए ना मैं इतों चुक रहा। तो यही समझे ना, जब आप लोगों की लड़ाई होती है उसका माल इस्तेमाल होता है, नुकसान होता है मेरा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਜੇਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਹੈ ਇਹ ਚੰਦ ਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓ ਭਾਈ ਬਾਜੀ, ਓ ਭਾਈ, ਓ ਭਾਈ, ਓ ਭਾਈ, ਓ ਚੱਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਛੱਡ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨਾ ਆਖੀ, ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਚਾ ਭਈਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਸੌਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਲਰੇਜ ਬਾਈ ਸੋਰੀ, ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਭਾਈ ਏਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਸ ਭਾਈ। ਸਮਝਾ ਲਾ ਬਸ਼ੀਰ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਇਨਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ, 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ? ਅੰਕਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ 10,000 500 ਦਾ ਹੋਇਆ, 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਤੇ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ 500, ਇਹ 500 ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖ। ਅਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ਼ੀਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਖਾਧੇ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਸ਼ੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਲੈਸਕੋ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ 1 ਮਿੰਟ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੋਂ ਪੇ ਲੜ ਰਹੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਕਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਅਜੀ ਪਾਗਲੋ ਜੈਸੀ ਬਾਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਤਰਮਾ, ਆਪ ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੋਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਮੀਟਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਖਾਨਦਾਨੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਜਲੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਓ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਹਲੋ 15, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪ? ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਤਨੀ ਕੋ ਘਟਿਆ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਆਪਕੀ। ਕਿਸਕੀ? ਆਪਕੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਕਮਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣੇ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪ। ਓ ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਰੌਣਕ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਅਭੀ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ, ਟੂ ਸੈਲ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੋਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਟੁਰ ਲਵਾਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਹੱਲਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਫੀਆਂ। ਅਬ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਧਰ ਸੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਇਧਰ ਸੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਰਿਜ਼ਕ? ਉਧਰ ਰੱਖ, ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਤਾ ਕੀ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
लड़ाइयां होती रहे। देखो मेरी गल सुन, लड़ाई दी ते गल ही नहीं, प्यार मोहब्बत नाल रहना चाहिए बंदियां नूं, दुनिया चार दिन दी। वैसे आप यही रहते हैं या सिर्फ बिजनेस के लिए आते हैं? नहीं नहीं, ये मेरी दुकान हैगी, ये घर तो मेरा पिछे का, तुसीं मालक मकान वेखन गुलरेज साहब, इन्हां कोल कमरा लिया मैं किराए ते। अच्छा। हाँ जी, उत्थे ही रहना। आप भी यही रहते हैं या आपने भी कोई लिया हुआ है? क्योंकि मैं जदों इत्थे आए ना तुसीं इत्थे बैठे होंदे हो। नहीं रहती है? नहीं जी। अच्छा, इतनी बेरुखी से ना आप कहा करें नहीं जी, अगर बंदा जवाब देता कि हाँ जी इत्थे, नहीं नहीं मेरा फलां जगह ते रहिंदी आ। मैं आपको ये डिटेल्स क्यों बताऊं कि मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं? ओए पुत्रा इधर आ, ओए ना बेटा ना, इस तरह ना कर। जी जी। हाँ, इतनी मेहनत तू की है, फड़ कुछ तो खा ना। जी जी, सेहत बना। मेहरबान, थैंक यू बेटा। भुलन वाली तो गल ही कोई नहीं, अब इतों रक्षे तो उतर के किसी को पूछ लेना बशीर जनरल स्टोर, उत्थे पहुँच गए तो तुम घर पहुँच गए। आ जाओ आ जाओ, खैर नाल पहुँचो, आ जाओ। ए चाचा जी कौन? यार अपनी फलक नू वेखण लई आ रहे ने। अच्छा, रिश्ते वाले? रिश्ते वाले ने। बैठो चाचा जी, पढ़ना मैं गल करनी। कर बशीर। गल हैगी कि मल्लेदारी हैगी। हाँ हाँ। ठीक है, देखो बच्चे सारे दे सांझे होंदे ने। क्यों नहीं? देखो कुड़ी टोर नहीं गई, मैं चाहना कि तुसी जेड़ा ना अपने दिल साफ कर लो। ओ बशीर, मेरा यार दिल साफ है, देखना हुण मैं गल करांगा फिर सारे फुड़ के बाहर आए ने। हुण तुसी अपने ईमानदारी नाल दसो, आ गवर्नमेंट ने बिजली दे रेट फिर नहीं बधाए, हुण बंदा गल भी ना करे। एक मिनट ठहर जाओ, पता की उन्हां दी वाइफ दा नाम है, तुसी इह कह लो कुछ होर कह लो, बिजली दे कुछ इंग्लिश भी नाम ने। ये वो बात भूल के बाहर आए हैं, आपने फिर उनको याद दिला दी है। नहीं, मैं उन्होंने होर गल करना, तुसी अगर मेरा प्यार करदे तो तुसी ना नहीं करनी प्लीज। बशीर मैनूं पता मैं तेरा किन्ना हया कर रहा, तेरे पता ना, तू तो हुक्म कर अपना। फिर क्यों जा रहे हैं आप उनको बुलाने? एक मिनट ठहर जाओ। कौन है भाई? अपा जी ने फैमिली लेके बाहर आओ, जरा आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बाहर। आओ जी, आओ। लो इधर अपन शायद शुरू। आओ जी इधर, आओ उधर बैठो। होने की होया है? इधर बैठो। खैर ना याद कीता, फिर दुश्मना नु बुला ले। बस पुत्त, एक मिनट, मैं जबान दे बैठा बशीर नु, असी दंद तो दंद नहीं चुकना इथे। अपना पता गल की गई? हां जी, उन्हां दी बेटी दा रिश्ता आ रहा है। देखो मल्लेदारी है, मैं चाहुंदा रल मिल के जी। देखो धियां भैणा सारियां दे सांझियां आउंदियां ने। हां जी हां जी, अगर रल मिल के जरा इज्जत बन जाएगी मल्ले दी, रिश्ता वेखण वाले आ रहे ने, अगर प्यार मोहब्बत नाल असीं गल कर लांगे ते कोई माड़ी गल नहीं गी। देखिए ये बात बहुत अच्छी की है उन्होंने, आप सबको माननी चाहिए। नहीं देखो भाजी, तुसीं मैनूं कहा है अंकल कि तुसीं मेरी गल मोड़ोगे नहीं, असीं नहीं बोलांगे। सुलह करो, क्योंकि तेरी भैन दा रिश्ता आ रहा है, ठीक है, तेरी भी भैन है, ठीक है, साडी भी भैन हैगी, ठीक है। यह गल है कि प्यार मोहब्बत नाल जिहड़ा ना ये कम होना चाहिए, अगले पता लगे कि मल्ला की है। चलो जफी वाओ, चलो अच्छी बात है, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं प्लीज। आप बल्ले दी लड़ाई खत्म हो गई, कोई गल नहीं यार, तेरी अपना मेरी भैन। चलो उठो, गिले शिकवे खत्म करो। हां मेरी, उठो जी अंकल, उठो, पाओ जफी। ओए होए होए, देखिया जे या ब्याह लई बंदे नूं किड़ियां किड़ियां मुसीबतां चुकड़ियां पैंदियां ने। तकलीफ ते नहीं राज? नहीं नहीं, इत्थे तकलीफ सानू की होनी है भाई। जिंदा रहो मेरा पुत्तर, जिंदा रहो पुत्तर मेरा। अच्छा ये एक बात बताए कि ड्राइंग रूम के सारे मामला भी आप इसी गली में ही तय करते हैं? देखो ये मल्लेदारी है, जिन्हें भी ब्याह होते हैं अच्छा दोनों साइड तू गली बंद कर दी दी, कनाता ला के ड्राइंग रूम सारा मल्ला तावन करता है। ये तो तुम देखना सी जो ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਅਦੇ ਗੁੜਾ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਔਰ ਰੁਖਸਤੀ ਟਾਈਮ ਇਧਰ ਆਓ, ਬੈਠੋ ਇਧਰ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਜਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫੀਸ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਦਰੀ ਹੌਦਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ? बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं और बहुत प्यारा मोहल्ला है। मुंडा भी छोटा सा ही है वैसे। ए बच्ची दी शादी हो गई? ए नहीं, ए तो बात हो गया नहीं है। मैं क्या कोई पहलो मामला तो असी तय कर लिए। हाँ जी हाँ जी, जहेज कलाम था, असी जहेज कुछ नहीं लेना। जबरदस्त, ठीक है। नहीं नहीं, ए तो गल गलत है ना,
उन्होंने भी कोई इंतजाम किया ही है कुछ से कुछ देंगे अपनी बच्ची नूं। हाँ। अंकल हमें सिर्फ लड़की का हाथ चाहिए, हमें दो जोड़ों में लड़की चाहिए। वो इतनी हाँ। अच्छी बात कर रहे हैं, आप उस पे भी इख्तलाफ कर रहे हैं। ये पहले पहले दी गल्लां होंदियां ने, बाद च रौला पै जांदा हुंदा है। ये पूरी गल तय हो जावे ना चार बंदियां च, अच्छी गल है। देखो सानू कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की का हाथ चाहिए। हाथ चाहिए तो नाल नवी आल्टो नहीं जड़ी आई वो चाहिए। वैसे ही कहा तुम्हें घबरा गए, मजाक करने की आदत है। वो नहीं लग भी रहा मैंने तुम आए से ना, मतलब मूँह मजाइया जे लगे मैंने। जिंदगी बच्ची ते बच्चे ने गुजारनी है ना। हाँ जी जी। मैं कहना ये आपस कोई अगर गल करना चाहते हो तो कर लो, तुम कर पुत्र कर, शर्मा रहा मेरा मुंडा बहुत शर्मीला। आपको खाने में क्या पसंद है? करेले गोश्त। इसके अलावा? धनिया गोश्त। इसके अलावा? आलू गोश्त। इसके अलावा? गोभी गोश्त। पापा ये तो हमारी बरादरी की लगती है। खुशी हुई जी। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला लेते हैं। दोस्त बेटा दोस्त। तेरी लंगर कर कर के पुत्र। लो जी राणियां दी फैमिली इकट्ठी हो गई। चलो जी क्या बात है भाई साहब, उपरले भी राणे ही ने। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल झूठा। मैं सारे राणे झाड़ के वेखे ने, इस रंग का तो राणा ही कोई नहीं। की मतलब ये कौन है? एक मिनट एक मिनट की गल की है। कुड़म है, कुड़म है साडा। तेरे कुड़म ते कहन ते मैं राणा नहीं रहूंगा। बच्ची दे रिश्ते दा मामला है। बच्ची दा रिश्ता फेर हो जाएगा, मैं गल नहीं सुन सकता। फेर करो यार, सलील हो रहा है इससे। ये आपने हाथ में क्या उठा लिया? सर लड़न ना ना, मैं इसलिए जरा अपनी जुबान ना अपने अंदर रखो बस। अरे रिश्ते वाले आने पागल हो गया तू? हां भी कर दे। ओ मेरी बात सुन लो। ओ यार ओ मेरी बात सुन लो। ओ गल सुन, मैं नहीं सुन रहा भाई साहब। ओ मेरी बात सुन लो। ओ मेरी बात सुन लो। ओ मेरी बात सुन लो। नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। ओ मेरी बात सुन लो। नहीं लड़ो। ओ मेरी बात सुन लो। ओ पाड़ा, ओ पाड़ा मेरा बात है। ओ मेरी बात सुन लो। ओ मेरी बात सुन लो। ओ अरे 15 पे कॉल करे आप। वो 15 पे कॉल इतने से रिश्ता कर। ओ इधर आ मुड़े हो, आगे चलिए। वक्त हुआ है मस्तियों में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा ये रिश्ता लेने से आए, ये अन्नी का बच्चा सरफ लेने आया था। वेलकम बैक टू मस्तियां, और बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। जी क्या खबर है? खबर है कि पसंद की शादी ना होने पर लड़की वाले घर के सामने भूख हड़ताल करने वाला नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल। ये इंडिया का वाकया है। क्यों, और कहीं नहीं हो सकता भाई? फिल्मी लोग फिल्मी हरकतें के एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा, मैं दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा मर जाऊंगा। ये सारी फिल्मों वाली हरकत ना ये इंडिया में। कार कर भी दिया है तो लड़के को इतना ज्यादा उस पर करना नहीं चाहिए, बुरा नहीं, मेहनत करे। और लड़कियां बहुत सर सलामत होना चाहिए, उसको जूतियां बहुत मिलेंगी। सियाने कहते जेदे घर रोटियां नसियां आनगियां गोटियां। मिर्जा साहब बड़े कोई प्रैक्टिकल हैं जी आप। लेकिन मीना जी हमारे यहाँ हड़ताल नहीं होती, धमकी होती है सीधी। क्या साढ़े सरेकिए ज्यादा ना देना, सारी पसंद की शादी ना थी, ऐसा खंभे तो चढ़ वैसे। ये मुल्तान से अक्सर ऐसी ही खबरें आती हैं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई खंभे पे चढ़ने की लॉजिक क्या है? धमकी देते हैं, अगर ना हुई तो हमने ऊपर जाके हाथ लगा देना। एक लड़का चढ़ता था लेकिन सेंटर में रहता था ऊपर। खंबे से चढ़ने का वीना जी रिवाज ही बन गया। जिस तरह बंदा फिशल कराता या सुबह उठ के आंडा पराठा खाता, इस तरह की रूटीन ही बन गई खंबे से चढ़ने की। मुझे आप ये बताएं मिर्जा साहब कि जिसके मोहल्ले में या घर के पास खंबा ना हो वो बेचारा क्या करेगा? यार आज भाई मैनू निजामदीन जिहा लगता खुदा। क्यों निजामदीन क्यों? वो लगता है अंदर को बंदा बोलता है, ये तो चुप करके बैठा होता है। लड़की को मनाने के लिए कोई लॉजिकल चीज करनी चाहिए, उसकी शिकायत दूर करनी चाहिए। मतलब खंबे पे चढ़ गए आप, और वैसे भी ये वेले निकम्मों का काम है ना? जो काम करने वाला होगा ना वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करेगा। तू को की थी फिर? मैंने कब की है यार? उर्दू तेरे मुंह ते चंगी लगती है। खुदा दी कसम तेरे अर्गे कसूर च कुल्फा बेच दे सिर्फ होर कोई। मेरे साहब मुझे आप एक बात बताएं, जिस तरह तो आप बड़ी कर रहे हैं, ये आपने सर पे जो खजाब लगाया ये किस तरह लगाया? डोई के साथ? आपका पूछना बनता है। अयूब साहब मैंने नोट किया आप अक्सर बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ। क्यों इतने उकताए हुए रहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, इसको मेरे पर्सनल मामले पे जाने की गाज़ प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड तमीज से पेश आए यार। वो कुलीग है तेरे के बंदे ने टॉफी दे दी, चुप कर जा। मिर्जा साहब पर्सनल मैटर तो वो होता है ना जो छुपा हुआ, अब ये तो हर एक को नजर आ रहा है। जी जी उनके कहने का मतलब है कि इतना महंगा कलर ले लिया ना तो 100 रुपए का शीशा मिलता है। हाँ। वो भी लें
अंदाजे से ना बाल कलर के नहीं तो कैफी 100 रुपए अपने बेटे को दे दे छोटे को हाँ। वो खुशी से लगा देगा आप। मिर्जा साहब माइंड ना करें, हम आपके स्टाइल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। वाह वाह, मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं करता, क्रिज्मेटिक तुम हूँ। क्रिज्मेटिक तुम हूँ? यस व्हाई नॉट। नहीं वाकई मिर्जा साहब, वाकई क्रिज्मेटिक तो हैं आप। नहीं वाले मतलब 10 बंदे चलते हुए आ रहे हो ना, दूर से पता चलता है कि ये वो बंदा है जिसने आते ही पैसे मांगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है तो आप इस तरह की छिछोरी हरकतें ना करें, बल्कि आप कुछ ऐसा कहते ना प्रोडक्टिव करें उसके सामने कि वो फिर भी इम्प्रेस ही हो जाए। जी मतलब हम इम्प्रेस ही करें। नहीं नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ इम्प्रेस इन अ गुड वे। बहुत से लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में जैसे कह रहे हैं कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अब ये जो हरकत है फजूल सी है ना, कि भूख हड़ताल कर दी है। यस, ये वाक्य है क्या वैसे मीना जी? ये वाक्य भारत में पेश आया है। एक लड़का लड़की तकरीबन 8 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, तो लड़की ने टू सम हाउ किसी वजह से, उसकी नालायकी की वजह से शायद, उसे सारे ताल्लुकात अपने ख़त्म कर लिए। तो लड़के ने उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके घर के आगे भूख हड़ताल कर दी। जिद छोड़ दे, मन्ने ना छोड़ू भाई, देख राणा नड्डो वो छोरा तुम्हारी छोरी से घणो मोहब्बत करे। लो जी राजस्थान आया वे, आ जा। घणो मोहब्बत करे है, छोरी रुड़ जाएगी, छोरा फूल जाएगा। इधर देख, छोरी को माफ कर, मन्ने ना मानू भाई, इधर देखता है छोरी को माफ। मेरी बात सुन ले, ये प्यार मोहब्बत सिर्फ ये दिल का फतूर होवे, ज़हन का फतूर होवे, मैं ना मानू। ये पहले आप अपना तारुफ तो करवा दीजिए प्लीज, आप कौन है जी? मैं तो आपका नौकरू खादम हूँ, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अच्छा सरपंच है, और ये साहब? ये छोरी का बाप राणा नाडो मोहब्बत करने वालों को अच्छा नहीं समझते। अल्लाह की मोहब्बत तो वो है जहाँ तक पहुँचे। और ये बात सुने नाडू साहब, आपकी बेटी जब राजी है तो फिर क्यों आप कर रहे हैं? अरे खाली कप के सिप्पे लगाने वाले, तुझे नहीं पता है, मन्ने ना मानू ये प्यार मोहब्बत फजूल होवे। मैं अपने इधर देख, अरे तेरी तरफ ही देख रहा हूं ना। तो वो लड़का किधर है जिसके साथ इसका फेयर है? वो भूख का लड़का हूँ। ये भूख हड़ताल के बाद की हालत है इनकी? अब मैं आप खुद बताए, ये मेरी बिटिया को क्या खिलाएगा? ये तो दो बरातों का लंगर खुद कर जावे। बापू मैं तन्ने एक बात बता दूं, मैं तो शादी इसी छोरे से कर रहा हूं। अरे चुप हो जा तू, इधर देख, मैं तन्ने बता रहा हूं, इधर देख, मैं तन्ने बता रहा हूं, इधर ये गर्दन उतार के पकड़ ले, ऐसे ऐसे करी ना। छोरी ने तेरे मुंह पे बोल दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा? पीछे भी बोलेगी तो मन्ने ना मानू। अरे चल चल, तेरी छोरी के बगैर मैं ना रहूं। तै मेरी बात सुन ले मन्ने, तुझको बोल रहा था, इधर देख ना, तै इधर देख, छोरी को देख, छोरे को देख। भाई ये तेरी बिटिया है, मैं सरपंच हूँ। अरे मेरे प्यार की हद देखो ना वीना जी, क्या हद थी आपके प्यार? इसके प्यार में भूख हड़ताल की। हाँ आप तो मोहब्बत ही सबसे ज्यादा खाने से करते थे। ये बाजार जाता हूँ, जेब में पैसे भी होते हैं, सामने बर्गर ग्रेड भी होती, कुछ निकाल सकता क्या? अगर तय मेरी शादी के लिए ना माना तो मैं भी भूख हड़ताल। अरे तू ऐसा हरकत करके तो दिखा, इधर देख, तेरी तरफ ही देख रहा हूं मैं। ये मेरी बात सुनो, ये अनाज की तरफ बढ़ता है, अनाज कहता है भागो आतंकवादी आ रहा है, ये बहुत खावे। तो शादी के बाद आपने थोड़ा खिलाना है, वो खुद अपना खर्चा पानी करेंगे। जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मेरे बिटिया की शादी होवे बस। अगर भूख हड़ताल करते वो मर गया तो फिर क्या करोगे? कत्ल पड़ जाएगा आप पे, कत्ल। अच्छा ये जो सरपंच है ना, ये आप इतनी मोहब्बत के फेवर में क्यों हैं? आपने भी कभी कोई मोहब्बत शोहबत की थी? जी मैंने भी मोहब्बत की शादी करी है। मोहब्बत की शादी में तो इंसान ऐसा ख्वाब नहीं देखता जैसे उस शोरे की छकल है। मैं तो ये बता रहा था, देखो मोहब्बत करने वाले जो हुए ना उनको मोहब्बत करने दे, में ये दुनिया ही मोहब्बत के लिए बनी है। राणा नाडो, ए राणा नाडो, इधर दे, जाने दे छोरी को, जाने दे। सरपंच मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा या अपनी तोड़ के तुझे पकड़ा दूंगा। मेरी छोरी की शादी वहां ही होवे जहां मैं चाहूं बस। अच्छा दूल्हा दुल्हन बात सुनो, देखो बाप अगर कह रहा है ना आप लोग इनके कहने पे कर लो, अक्सर प्यार की शादियां ज्यादा चलती नहीं, टूटती हैं। अरे मेरा प्यार बड़ा सच्चा भाई, कभी शादी नहीं टूटेगी। ये तो तुम्हारी बच्ची खुश है तो तुसी कर दो चुप करके। अरे फिल्म का वैंडअप से पहले रोने वाले, तुझे नहीं पता है ये हमारी छोरी है, हमने मेहनत से पाली होवे। आपने अपनी बेटी मेहनत से पाली है तो पीछे कम मेहनत से पला पड़ा है? ये तो पूरे कबीले की मेहनत है, पूरे कबीले ने मिलके इसको पाला है। अब कबीले के सामने खुदकशी करे तो कबीला कैसे बर्दाश्त करेगा? उनकी मेहनत उनकी आंखों के सामने जाया हो रही है। आपका उसके साथ रिश्ता ना करने की वजह सिर्फ उनका खाना पीना या कोई और वजह है? ये हमारी बरादरी का ना होवे, ये आप लोगों में बरादरी और जात से बाहर, ये इससे बाहर निकले लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बात है, ये बात है, मैं भी इसको यही बोलूं, देखो
तुम्हारा खानदान क्या था, तुम भी तो नाचने गाने वाले लोग थे। हम तो अजा की शायरी करते थे बाबा। देखो मैं तुम्हें इतना बड़ा अजा दे रहा हूँ, बल्कि अजा का मजमुआ दे रहा हूँ, बल्कि अजा नहीं तुम्हें अजदहा दे रहा हूँ। राणा इस पे तुम 50 साल तक अजा की शायरी करते रहो, अजा कम नहीं होगा तेरी शायरी खत्म हो जाएगी। राणा ना माने तू जितनी मर्जी कहानियां मुझे सुना ले, राणा तै इधर दे। काश के सरपंच ही मारा बापू होवे, मारे प्यार को समझे तो। अरे अपनी माता से पूछ ले, मैं तेरा बाबू होवे या सरपंच पसंद होवे उसे। देखो तारी बेटी प्यार करती है, तू बीवी को बीच में क्यों ला रहा है? तू बेटी के साथ साथ बीवी से भी हाथ धोएगा। तू मुझसे शादी करती है या मैं बर्गर खा लूं? वैसे इन्होंने तो किसी खास कॉज के लिए भूख हड़ताल नहीं की, लेकिन अगर भूख हड़ताल की तारीख उठा के देखे तो लोगों ने बड़े जबरदस्त मकासद के लिए भी भूख हड़ताल की। बहुत सारे नाम है। आयरन लेडी का नाम सुना होगा आपने इंडिया में। ईयर 2000 में उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उसकी वजह यह बनी थी कि इंडियन आर्मी ने तकरीबन 10 अनआर्म्ड सिविलियंस को मार दिया था। एक बहुत बड़ा कॉज था और 10 ईयर्स के लिए, और उन्होंने लिटरली इस 10 साल में कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उन्हें नेजल ड्रिप के जरिए से खुराक दी जाती। और इस हवाले से अन्ना हजारे का एक बड़ा नाम रहा है। अन्ना हजारे की जो भूख हड़ताल थी वो भी एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी, करप्शन के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह की भूख हड़ताल जबरदस्त कॉज के लिए थी, क्योंकि उनका मुतालबा यह था कि जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बराबर का रवैया रखना चाहिए। फिर इसके अलावा गांधी जी ने उन्होंने एक बड़ी लंबी भूख हड़ताल की थी ये लोगों के हकूक के लिए। इसके प्यार की खातिर देख लो मैंने क्या क्या किया। एक बच्चा दही भल्ले गुवाता जा रहा था, मैं भूख हड़ताल पे था, मैं रब से दुआ कर रहा था, मेरे मुंह के पास फटे आके चाप। इधर देख, ला दे फेरे। ओए उधर देख तू समोसे रखे उधर कड़ी। तो तन्ने मुझे मोम कर दिया है, क्या याद करेगा सांड, जा अपनी बिटिया मैंने तुझे दी। अब 750 परांठा बनाओ। ये लो 750 परांठा शादी होते ही। अरे मैं इधर देख। वेलकम बैक टू मस्तियां। लैला मजनू अलग अलग कबीलों से थे, मुखालफत की बात समझ आती है। सोहनी माहिवाल अलग तहजीबों से थे, यहां पर भी इख्तलाफ समझ में आता है। लेकिन हीर रांझा और मिर्जा साहिबा ये तो एक ही बरादरी से थे ना, फिर इनका इश्क क्यों नहीं कामयाब हुआ? बात वही है कि जिस भी ताल्लुक पर मोहब्बत की छाप लग जाए फिर रुकावटें तो खड़ी हो जाती हैं। साहिबा ने मिर्जा के तीर तोड़कर आशिकों के दिल तो तोड़े, लेकिन मोहब्बत के दुश्मन उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आखिर साहिबा ने मिर्जा के तीर तोड़े क्यों, उन्हीं से पूछते हैं। निके हुंदे आंदा प्यार देखी देवी नानसार वे तू जिंद तो मंगे दे तेरे उतवार निके हुंदे आंदा प्यार देखी देवी नानसार। ये कैसा बदोबदी, ये क्या कर रही हो, बिहेव योरसेल्फ। मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हो और हरकतें बच्चों जैसी कर रही हो। मिर्जा बिल्कुल सही प्या कहंदा है, मेरे हाण दी मठियारे निक्के हुंदियां दा साडा प्यार सी। हाँ पता है, मैं वड्डी होगी पर मेरा मिर्जा अज भी निक्का ही। जीना आपने बातों बातों में एक बड़ी अहम बात जाने दी है। क्या? वो कह रही है कि मेरे हाण दी मठियारे। वे जवानी च जज्वी तौर ते अन्ना होने वाले। कोई मठियार ही किसी मठियार के दुख नूं समझ सकती है। साढ़े प्यार दियां कहानियां उत्ते कई बार सेंसर ने पाबंदियां लाइया। सेंसर ने? पैमरा वाले ने साड़ी मोहब्बत दिखाने तो इनकार किया। ओहो अच्छा। मेरी ते मिर्जे दी मोहब्बत कल भी पाक सी ते अज भी पाक है। वो चटका क्यों देनी है, मेरी बांह कढ़नी हूं। मेरी खातिर मैं की नहीं कीता, भुल गई है। वे सेगमेंट शुरू हुंदिया तू मेरी खातिर 3-4 टोना चेंज कर गया और मेरी खातिर की कर सकना। आज मेरा दिल टूट गया है मिर्जा को देख के। नहीं मठियारे, मेरा ख्याल है तू अपने पिछले मिर्जे नु देख बैठी। अपनी हाथ से रह, वरना ये तीर मैं तेरे पेट विच मार दियांगा। लोकी पता नहीं मिर्जे दे बारे की गल्लां करदे सिर। आज दुनिया ने देख लिया ने मेरा मिर्जा तलफ़ुज़ दा कितना ख्याल रखदा है। वो टेड भी कह सकदा सी, वो पेट कह रहे है। छड़ साहिबा, पेट दी खातिर जड़ा कम नहीं आंदा तू भी करन दिया। लोकां ने ते गल्लां करनियां ने, इन्हां नू छड़, जस्ट इग्नोर देम। मिर्जा दुश्मनाल जो तीर पा के चलांदा ना, एक दफा तीर मिस हो गया ते दी लत फस गई। वे खबरदार वे बेटा वे जवाना। अगर तू मेरे मिर्जे दे बारे च कोई जुगलबंदी की थी
पूरे पंजाब च मेरे मिर्जे वर्गा को है ही नहीं सी। इतनी मोहब्बत थी तो फिर आपने उनके तीरों को तोड़ा ही क्यों? गैब तो आवाज कितों आ रही है? ये हमारी को होस्ट है जी, जो बोलने लगता मोटू पतलू कार्टून शुरू हो गए। आप सही कह रही हैं कि पंजाब में इन जैसा कोई भी नहीं था। एक वक्त था जब 35 इजला का ऑर्डर ये जारी किया करते थे। आप ये बताएं कि एक ही मदरसे में पढ़ते पढ़ते इश्क का सबक कैसे पढ़ना शुरू कर दिया? मास्टर ने सोटियां इन्हू मारनी और निशान आपको पढ़ते थे? निशान मेनू पैने। बस ये क्या बकवास थी कि जो भी कहानी है इस तरह की, उसमें ये है कि जी पत्थर उसको लगते हैं, दर्द उसको होता है। ऐ शख्स तेनू सारिया गलना बकवास लग रही ने। बकवास ही है और क्या है। यह बंदा तीसरी गल तो बाद एनक ला के कहना मैं जा रहा हूँ। हम ये स्टोरी सुनना चाहेंगे अगर आप खुद बताएं तो। मटियारे तुसी साहबा सदी के खलील रहमान कमर नु सदी। ऐ ओदो दी गल है जदों मैं निक्का जिहा हुंदा सी। हुण केड़ा तू अमरूद तोड़ लैना। साहिबा इतनी नरम दिल थी आप और एक तीर अंदाज से मोहब्बत कर बैठी कैसे? मटियारे ए केड़ा बहुत वड्डा तीर अंदाज सी। तो इत्थे मैं जमीन ते बैठी चिड़िया को घे मारदा सी। इतनी टहनी ते बैठा हुआ परिंदा तेन नजर ही नहीं आता। कई बार मेरे मोढ़े ते चढ़ के ने शिकार किया है। बस मोढ़े ते चढ़ते चढ़ते ने मेरे दिल का भी शिकार कर लिया। मैं अपना तीर खिंचया ते निशाना सीधा दे दिल का लिया। मैं तीर छड़ता ए भुल गया सी इतों ए छड़ना के ए छड़ना। मैं ते मिर्जा दोवें इकट्ठे पढ़दे हुंदे सां। स्कूलों फुट के तसी दरिया के किनारे ते चल जाना ते मिट्टी च पैर पा के तसी घर बनाने। मैं पंजाब दी जट्टी सा, मेरा घर वड्डा बनदा सी। ऐ कमसन जड़ दी छोटी जी कुली बनदी सी। ये कमसन जट्टा इस तरह ख्याल इधर उधर हो जांदा वे क्यों विच एडमा पा रहे हैं। मैं सांदल बार का लाड़ा आपको कहा जाता था ना? ऐ की पूछ लिया है मुटियारे, मैं सांदल बार दा लाड़ा ना होंदा ते कौन होंदा? ए फुल लाड़ा जे। सांदल बार दा लाड़ा ते सिर्फ इनू मैं माननी सा पर सांदल बार दा सगाड़ा है तो वड्डा सी। मेरी वड्डियां वड्डियां जागीरां सन। मैं पर्ची च लिख के देंदा सी ते पटवारी चेंज हो जांदा सी। पटवारी उदों तक ही चेंज होए ने जदों तक मेरे भरा खान शमीर ते चुमरे नूं नहीं पता लगा। ओ मेरे दुश्मन सन। जिस दिन खान शमीर इहदे सामने आके खलोता है उदों फिर फुल फिक्का पै गया। मैं जवां मर्दी ने नाल माशाल्लाह उन्हां दे अखां च अखां पा लियां। इन्हें भला अखां च अखां किंज पाईयां? मिर्जा ये तीर क्यों इतने हैं? मैं हर वक्त साथ लिए लिए घूम रहे हैं। ऐ बड़ी लंबी कहानी है मुटियारे, लंबे पै के सुना दे। चल मैं लंबा पै गया हूं सुन। एक दफा का जिक्र है Once upon a time कि एक शीर जवान हैवी वेट टाइप का, उसके आगे बॉडी बिल्डर जो है फीके पड़ जाते थे। वो अपनी मोहब्बत के लिए अपने तीरों के साथ मैदान में निकला। वे मिर्जा तू रेडियो ते काम करिया कर। क्यों? ताकि तेन को चपेड़ा मारना चाहे तेरी शक्ल तेन याद ना ना हो। यार वैसे मैं कैसी मैं ही फीका वा, मिर्जा तू तो मेरे तो भी अगे यार। एक दिन ए ते मैं दरिया के कंडे उत्ते बैठ के खुशगपियां कर रहे सा। अच्छा। गुनगुना रहे सा ते उधरों मेरा भरा खान शमीर आ गया। असीं दोवां ने दौड़ ला दित्ती। इह तां नसदा नसदा पालक दी पैली चला गया। पालक दी पैली उहदे च लम्मे पिया ते लुक गया। ते पालक ने उहनूं वेख के कहा तू मेरा लै पालक पुत्तर। मैनूं अज वी उह रात याद है जदों चौधवीं दा चन्न इंज करके चमक रिहा सी ते तारे निकले हुए सन। मैं ते मेरा मिर्जा हिर मनार वाले तलाश, मेरे पैर पानी सन इहदे उत्ते उत्ते ही सन। अचानक मैनूं घोड़िआं दे पैरां दी आवाज़ आई है अपने बच्चे नूं खड़ाण दा। मैं क्या बच्चा नहीं है, कट्ठा कुट्ठा होया है। ना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब ये दोनों कजन्स थे तो घर वालों को रिश्ते पर एतराज क्या था? बताएं जी। हमारे खानदान में इस चीज को बड़ा मायूब समझा जाता है। छोटे कद नूं जिदों ने मेरे भरा खान शबीर नूं कहा कि मैं तेरी भैन नाल शादी करनी, ते खान शबीर गुस्सा करके। मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को निशानी के तौर पे कि मेरी इससे शादी करवाए, मैंने मटके में नमक भी डाल दिया, उसके बाद भी मेरे घर वाले नहीं पहचान पाए। वे केपी के दी रस्म पंजाब च करन आले आ। तेनू अकल क्यों नहीं आई, वे मैं तेनू कितों कितों नहीं बचाया। ए एक दिन जज्बाती होके कण टपके ते मैनू घर मिलना आ गया। इश्क अन्ना हुंदा है। इधर इश्क बुढ़ा भी है वैसे। तो फिर क्या हुआ?
बड़ी मुश्किल नाल कंध टपी है तो रौला पिया है घर च घर च कोई है तो मैं बड़े बहाने लाए मैं बिल्ली कोई ना मन सारे घर की तलाशी लैनी शुरू करती तो मेरे प्यो की पग किली ने टंगी सी अच्छा वंजल जड़ दी पग ला के मैं इहदे उत्ते दे दित्ती फजर तो पहले जो मैं पग चुकी तो पग विच सुकून ना सुथा सी आपकी वजह से औरत पे इल्जाम है कि मोहब्बत में औरत पे एतबार नहीं करना चाहिए कितनी बुरी बात है औरत इल्जाम है आपकी वजह से लगा ना आपने मिर्जा के तीर तोड़ दिए थे औरत ने इश्क दी खातर जहर पीता औरत नु तारी नहीं सी तरनी आंदी औरत ने दरिया तरिया औरत किवें बदनाम होगी ओ मिर्जा सौ रहा जे मेरे मिर्जे ना मेरे वारसा ने धोखा किया सी वो कैसे एदी भैन छत्तो दे व्याह ते इहनू पेच के ते पिछों मैनू चदड़ा नाल मंग दिता चदड़ा दा अद्धा खानदान पुलिस सी मैं कहूं ना ते मेरी गल गलते शक करने ये ते छत्तो दी व्याह दी तैयारियां करदा पिया सी ते जदो मेरे व्याह दी नूं इतलाह पहुंची ते ये इतना घटिया आदमी ने भैन नूं डोली च नहीं पाया मैनूं चुकण आ गया तो इसका मतलब है कि आप अपनी रजामंदी से नहीं बल्कि मिर्जा की जिद की वजह से भागी थी नहीं मैं जिद नहीं की थी मिठियारे जिदों नूं मेरे व्याह दा पता लगा ते ये बक्की लैके साडे घर आ गया मेरे हत्था ते गिल्ली मेहंदी लगी सी जालमा पिछे जन जागी चदड़ पिछे चढ़ जानगी कहिंदा चदड़ ते शुरू तो मेरे पिछे चढ़े बस दौड़दिया दौड़दिया हल्की हल्की सोहनी सोहनी सुरीली हवा चली है मेरे मोढे ते सिर रख के सौं गया मेरे हत्थां दी मेहंदी सुक गई सफर करदे करदे लैलपुर आ गया मैं उन्हें बड़ा जोर लाया मैं कहते होटल च कमरा ले लै उदो उन्होंने 3 रुपए मंगे ने कहिंदा इन्नी महंगाई तौबा 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 क्रांति कार्ड था इसके पास बस इसे को लो कमरा नहीं मिलया कोई तो नहीं सी तो फिर ये दरख्त के नीचे सो गया बस 3 रुपए नहीं खर्चे मेरे भरावां दे छेत्र खा ले चदड़ा को चपेड़ा खा लिया ने एडी सोहनी जंड आई थले नलका लगा सी मैनूं कहिंदा ऐ वेख उस होटल तो अच्छी जगह असीं थोड़ी देर इत्थे स्टे करके ते असीं अपने पिंड चले जांगे ते मैं निक्के जड़ दी गल मन के ते बक्की तो थले उतर आई ये सौं गया ते मैनूं घोड़िया दे पैरां दी आवाज आनी शुरू हो गई तो बिट्रेल की स्टैम तो आप पे लगी ना उसके तीर तोड़ दिया ये झूठ है अज मैं क्लियरेंसली ते तुहाडे शो च आई हां बताएं क्या हुआ मेरे दामन ते मिर्जे दा खून नहीं ना इहदे मैं तीर तोड़े सन अच्छा मैं इहनूं उठाया अद्धा घंटा ते जमीन ते अड़ी मारी उहने मैनूं नींद आई मैं नहीं अम्मी साहिबा मैनूं अम्मी भी कहे ने मैं फिर मैनूं उठाया मैं कहा उठ वे खान शमीर ते चुबरा तेरे सिर ते चढ़ गए नी अच्छा मुकाबला शुरू हो गया तू इहदा तीर वेख रही है ऐ ते कुछ सिद्धा ही उत्तो इहदा कद छोटा सी मेरे भरा इहनूं सीधे तीर मार रहे सन ये अपने कद दे हिसाब नाल घोड़िया दे खुरां च मार रहा सी उत्तो ऐ सारे दे तीर डिंगे सन इहदे तीर घूम घूम के साडे कोल ही आके डिगदे सन मैं नहीं इहनूं मरवाया जी स्टैची जी ने इहनूं मरवाया और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़